कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बोला था कि मैं वुड के और भी आपको एक पार्ट कराने वाला हूं और इसके अंदर हम सभी डिस्कस करेंगे उन कंडीशंस का जो हमारी वुड के अंदर यूज की जाती है। और ये जो हमारा वुड है, ये हमारा मॉडल है 10th, और अब ये हमारी वीडियो भी हो गई 10th मॉडल के ऊपर। फाइन, तो ये हम करने जा रहे हैं वुड का टाइप 2, जिसमें हमारे सारे कंडीशनल सेंटेंसेस यूज किए जाएंगे, हमारी कंडीशंस लगेंगी। पहला जो हम इसका पार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हमारी इमेजिनरी सिचुएशन आएंगी जिसमें हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे। अगर मैं बात करता हूं इनकी आईडी की, तो इसमें आईडी क्या है, सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते ये आएगा। ये हमारे दो सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इनको हम कंबाइन करके एक ही मानते हैं। हमारा उसमें एक पंक्चुएशन कॉमा लग जाता है और दोनों सेंटेंस हमारे एक हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि उस पूरे एक सिंगल बड़े सेंटेंस के अगर हम दो पार्ट बात करें, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा जो आईडी है वो ता ती ते पे फिनिश होगी, और सेकंड पार्ट में भी हमारा ता ती ते ही आएगा। फाइन, हमारा रूल है हमें इफ लगाना है, क्योंकि हमारी कंडीशन की बात हो रही है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इफ के बाद जो हमारा एक क्लॉज आ रहा है, पास इंडेफिनिट ही रहेगा, यानी ये जो हम रूल लगा रहे हैं पास इंडेफिनिट का ही रूल लगा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पर सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन क्लॉज होगा जो हमें अपने इस पार्ट के बाद यहां पर रिजल्ट देगा कि हमारा अगर कंडीशन लग रही है तो हमें हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा। अब यहां पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, जैसे इफ आई लाइक्ड पार्टीज, सेकंड फॉर्म आ गई हमारी। इफ आई लाइक्ड पार्टीज, अगर मुझे पार्टी अच्छी लगती, I would attend your party also, तो मैं आपकी भी पार्टी अटेंड करता। अब बोलने में तो हमारा तादी थे ऐसा साउंड करता है कि हम अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर सेकंड फॉर्म लगानी है, और इस वाले पार्ट में वुड के बाद हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमारा पहला सेंटेंस बना हमारा, अगर मुझे पार्टी अच्छी लगती तो मैं आपकी पार्टी जरूर अटेंड करता। नेक्स्ट हमारा, इफ इट रेन टूडे, अगर आज बारिश होती, You would come late for sure, तो तुम पक्का लेट आते। हमने फिर वही वुड के बाद यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा दी। नेक्स्ट है हमारा यहां पर, इफ आई डिड नॉट इन्फॉर्म हिम अर्ली, अगर मैं उसे पहले इन्फॉर्म नहीं करता, नेगेटिव हो गया तो हमारा पास इंडेफिनिट में हमारा डिड नॉट लग गया। डिड नॉट लगने के बाद हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इफ आई डिड नॉट इन्फॉर्म हिम अर्ली, अगर मैं उसको पहले इन्फॉर्म नहीं करता, ही वुड नॉट रीच ऑन टाइम, तो वो समय पर नहीं पहुंच पाता। इन बीच में जो हम कॉमा लगा रहे हैं ना, इन कॉमास का मतलब हमारा हिंदी में तो बन गया, लेकिन आप इंग्लिश में कहीं पे वो बोल नहीं सकते कि आपने कॉमा लगाया हुआ है। तो हम राइटिंग में तो पंक्चुएशन का अपना कॉमा का यूज करके अपना काम हम चला रहे हैं, नहीं तो हर जगह इनका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करोगे इस पूरे सेंटेंस के बीच में, तो वो तो का काम करता है। जैसे अगर मुझे पार्टी अच्छी लगती तो मैं आपकी पार्टी भी अटेंड करता, अगर आज बारिश होती तो तुम पक्का लेट आते, अगर मैं उसे पहले इन्फॉर्म नहीं करता तो वो समय पर नहीं पहुंचता। फाइन, तो ये पहला हमारा जो हमने पार्ट किया है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर वुड का टाइप 2, जिसके अंदर हमने सिर्फ इमेजिनरी सिचुएशन की बात करी है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। फाइन, अब जो सेकंड है हमारा, ये प्रेजेंट के अंदर अनरियल कंडीशंस है हमारी, ऐसी कंडीशंस जो कभी मुमकिन नहीं हो सकती है, या जिनको मुमकिन कर पाना बहुत ही हमारे लिए इम्पॉसिबल सा है, या थोड़ा हार्ड एंड डिफिकल्ट भी हो सकता है। इन सेंटेंस के लास्ट में हमेशा जो आपको आईडी मिलेगी, होता, होती, होते, यहां पर सेम हमारी आईडी आ गई, तो हमारा सेम रूल भी यहां पर हमारा चलेगा। यहां पे जो हमारा रूल है, हमें इफ के बाद अपना जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल ही रखना है। डजंट मैटर कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हमें हमेशा अपना यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल ही रखना है, और वर्ब ही रखना है हमें, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। सेकंड वाला रूल हमारा सेम चलता रहेगा, क्योंकि हमारी आईडी भी सेम इसमें आ रही है। अब सेंटेंस है हमारा, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, अब मैं विंग्स तो ग्रो नहीं कर सकता इमीडिएटली, और ये पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए, तो ये क्या हो गया हमारा, अनरियल कंडीशन हो गई। तो मैंने क्या बताया, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई हियर एंड देयर, मैं यहां वहां उड़ता। सेम वैसे ही हम इन कॉमास को तो के लिए यूज कर रहे हैं। अगला है, इफ ही वर हियर, अगर वो यहां होता, अब देखो आप, आई मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ही मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इन दोनों के साथ मैं वर ही यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें वर ही यूज करना है. इफ ही वर हियर, अगर वो यहां होता, यू वुड नॉट लेट हिम गो, तो आप उसे जाने नहीं देते. नेगेटिव वाला तो मैंने वुड के बाद अपने नॉट का यूज किया, फिर हम वही फर्स्ट ओपनिंग यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा इफ यू वर नॉट माय हीरो, अगर तुम मेरे हीरो नहीं होते. नेगेटिव के अंदर हमने वर्ब के बाद अपना नॉट यूज कर लिया क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये. I would not allow you for this. तो मैं आपको इसके लिए अलाउ नहीं करता. तो दो कंडीशन हमने करी. फर्स्ट में तो हमने किया इमेजिनरी सिचुएशंस, दूसरे में हमारी प्रेजेंट में होने वाली उन सभी अनरियल कंडीशंस के लिए भी हमने अपना वुड का यूज किया सेकंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में हमेशा हमने इफ के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का यूज किया है. हमारा वर्ब जो कि हमारा एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और वो हम सिंगुलर अपने सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे. फाइन, अब मैं आपको इसके बाद एक और कंडीशन कराने जा रहा हूं मैं, उसको हम देखते हैं उसमें आगे क्या है. तो आइए अब हम कर रहे हैं थर्ड कंडीशन. इस थर्ड कंडीशन में क्या है, आपको जो आपकी आईडी मिलेगी, पास होता, पास होती, पास होते, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास ये चीज होती, अगर मेरे पास वो चीज होती, इन कंडीशंस में अगर हम लगाते तो हम क्या करते, कैसे अपने सेंटेंस बनाते. हमारे सेकंड पार्ट में सिर्फ वही ता ती ते आएगा जैसा कि हमने पहले अपने दो कंडीशंस में किया हुआ है. अब हमारा जो यहाँ पर रूल होता है वो इफ हमारी कंडीशन के बाद जो हमारा क्लॉज बनेगा वो पास्ट सिंपल ही बन रहा है हमारा, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वाला ही चलेगा. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको उधार दे देता. हमारी कंडीशन लग गई, मेरे पास पैसे है नहीं इसलिए मैं आपको उधार दे नहीं पा रहा हूं. तो सेंटेंस है हमारा, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी कॉमा, तो मैं आपको उधार दे देता. आई वुड लैंड यू, उधार देना होता है हमारा लैंड, उधार लेना होता है बोरो. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम्हारे पास मेरा नंबर होता तो तुम मुझे फोन करते. इफ यू हैड माय नंबर यू वुड कॉल मी. सिंपल. अगर हम इसको नेगेटिव बनाते, अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं होता तो वो बैंक नहीं जाता. इफ He had not bank account, comma, he would not go to bank. Simple. मैं यहां पर इस had not को यहां पर हम simple didn't have भी use कर सकते थे. Fine. मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे हम इनको translate करते हैं. जो मैंने आपको has, have, had के simple use की मैंने आपको video बनाई थी उसमें बता रखा था कैसे अकाउंट ट्रांसफर करते हैं. तो कैसे बन गया हमारा, इफ ही डिडंट हैव बैंक अकाउंट ही वुड नॉट गो टू बैंक, या इफ ही हैड नॉट बैंक अकाउंट ही वुड नॉट गो टू बैंक. फाइन. तो ये हमने अब तीन कंडीशन कर ली थी टाइप 2 के अंदर, जिसके अंदर हमने वुड को कंडीशनल अब यूज किया है. अब मैं आपको इसी के लिए थर्ड टाइप बताने जा रहा हूं वुड का, जिसके अंदर हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे उनको हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं. आइए देखते हैं वो कैसे होते हैं. अब है हमारा यहाँ पर टाइप 3 जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपने मॉडल वुड की. तो इससे पहले जो हमने तीन करी थी उसके अंदर हमने सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस की बात करी थी, जिसके अंदर हमारे इमेजिनरी सिचुएशन थी और कई जगह हमारा प्रेजेंट में अनरियल कंडीशन थी. लेकिन किसके अंदर हमारी आती है सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अब ये जो हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है इसके अंदर आप एक असमंजस में फंस जाते हो, यानी एक डिलेमा में फंस जाते हो आप कि मैं क्या जवाब दूं, मैं कैसे करूं, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन. तो इन सिचुएशंस में अगर आपके पास सेंटेंसेस आते हैं तो वुड का आपको कैसे इस्तेमाल करना है अपना और कैसे आप अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे. आइए हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखते हैं कैसे. इसकी जो आईडी है सेम वही हमारा ता ती ते आएगा जैसे हमारा पहले से आ रहा है. दूसरे पार्ट में भी हमारा ता ती ते आएंगे, ये भी हमारे दो पार्ट में ही बनेंगे. अब जो रूल है हमारा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट बनेगा इफ के बाद जो हमारी कंडीशन लगेगी तो वहां हमें सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्मर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो क्लॉज है हमारा ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा क्योंकि ये काम हमारा बहुत पहले हो चुका होगा. दूसरे पार्ट के अंदर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्मर ऑब्जेक्ट लगेगा क्योंकि ये हमारा मेन क्लॉज है और इसमें भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल चलेगा
जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें चलेगी। इससे पहले जो हम कर रहे थे उसमें हमारा वुड के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, तो क्योंकि हम पूरा का पूरा पास्ट में कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पास्ट परफेक्ट लगेगा फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारा मेन क्लॉज है उसमें भी हमें वुड हैव के बाद अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब हमारे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला है हमारा इफ आई हैड कॉल्ड यू, अगर मैंने आपको बुलाया होता तो यू वुड हैव कम श्योरली, तो तुम पक्का आए होते। तो हमने सब्जेक्ट अपना यू लगाया, वुड हैव थर्ड फॉर्म हमारी आने का कम केम कम, फाइन। सेकेंड है हमारे यहां पर इफ हिज फादर हैड सपोर्टेड हिम, अगर उसके पापा ने उसको सपोर्ट किया होता तो ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वो सफल हो गया होता, फाइन। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इफ पुलिस हैड कम ऑन टाइम, अगर पुलिस समय पर आ गई होती तो द थीफ वुड नॉट हैव रन, तो चोर भागा नहीं होता। फोर्थ है हमारा यहां पर If you had not had food outside, अब मैंने यहां तो had लगाया क्योंकि मेरे ये रूल में है। अब मैंने यहां पे जो दूसरा had लगाया वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि खाने और पीने के लिए हम यूज करते हैं have, तो have की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बन गई हमारी had। तो if you had not had food outside, यानी अगर तुमने बाहर खाना नहीं खाया होता, you would not have fallen ill, तो तुम बीमार नहीं पड़े होते। एक और है हमारा यहाँ पर If I had been at your place, अब मैंने यहाँ पर had के बाद third form लगाई been, been हमारा be की second form was but third form होती है been, तो यहाँ sentence बना If I had been at your place, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो I really don't know, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब हमारे यहाँ पे ये वाला rule चालू हो गया What would I have done? तो मैंने क्या कर दिया होता? पूरा सेंटेंस क्या था? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मुझे रियली नहीं पता कि मैंने क्या किया होता। तो जगह आपकी जगह पर होना, तो been at your place हमने लिख दिया यहाँ पर। been मेरी थर्ड फॉर्म है हमारी be की, फाइन। अब नीचे एक सेंटेंस और लिखा हुआ है मैंने, अगर उसने दसवीं में कड़ी मेहनत की होती तो किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होता। अब ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा ये आप लोग ट्रांसलेट करेंगे और हमें कमेंट करके हमारे बॉक्स में बताएंगे, फाइन। तो हमने इस पूरे वुड जो हमारा मॉडल है उसके अंदर हमने बहुत सारे पार्ट कर लिए। पहले मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर 6 उसके पार्ट बताए थे वुड के, और आज की मैं अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी कंडीशंस बता रहा हूं जो हम वुड के साथ यूज कर सकते हैं, फाइन। तो आपने मेरे साथ सीखा वुड, मैं जस्सी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम गुडलक इंस्टीट्यूट। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वुड को यूज करने में, और आज के बाद जितने भी आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे आप उनको फटाफट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो एंड ट्यूनिंग आवर चैनल।